क्या पोथी प्रमाण देता है कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा, खास करके माताओं को इसमें भूमिका क्या होगा? माता जी का दर्शन करेंगे, कैसे दर्शन करेंगे? वो माता जी का स्वयं प्रकट लीला को दर्शन करेंगे, ऐसे ही जो मूर्तियों को दर्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो महायुद्ध की आप बात करें, मतलब आने वाले समय में जब महायुद्ध होगा, जैसे कि मालिका में लिखा गया है कि महाभारत के एक अधूरा युद्ध जब बच गया था, तो वो अधूरा युद्ध तो महायुद्ध में उभरेगा, दुष्ट को विनाश करेंगे और भक्तों को रखेंगे, हाथ में तलवार लेके आएंगे, माँ वैष्णो देवी आएंगे और जो भी माता जिस जिस जगह में है वो एकत्रित होंगे कली के अंत। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचगा। संत अच्युतानंद दास जी ने पवित्र भविष्य मालिका में बहुत सारे ग्रंथों की रचना किए हैं। क्या पोथी प्रमाण देता है कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होगा, खास करके माताओं की इसमें भूमिका क्या होगा? तो आज हम बात कर रहे हैं कि वैष्णव देवी माता जी के क्या रहेगा कलयुग में अंतिम कालखंड में लीलाएँ, उस विषय पर हमारी चर्चा है। आज साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर, जगन्नाथ कथा संस्कृति के महाप्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज। स्वामी जी आपको प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो फिर स्वामी जी, दर्शक हमारी जानना चाह रहे हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्य मालिका में लिखे हैं कि आगे चल के माताओं की क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगा, खास करके वैष्णव देवी जी की क्या भूमिका रहेगा, लीला क्या क्या रहेगा, उसके बारे में बताइए। सभी भक्तों को बार बार प्रणाम करता हूँ। उड़ीसा में प्रकट होते हैं जो देवियों, उसके बारे में तो बहुत सारा हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वैष्णव देवी जो हैं उसके बारे में भी, माँ के बारे में भी संत अच्युतानंद जी लिखे हैं, जो मालिका में पुथी में लिखा है, वही बात हम आपको बताएंगे क्या लिखा है मालिका में। तो उड़िया के पद में, तो इसलिए हम पहले उड़िया में बताएंगे और उसके बाद जो बाद में हिंदी में बताएंगे। तो कौली से वैष्णो देवी होई बे प्रकट, सुनु थारे रामदास देखिबू तू नाट। तो उड़िया का पद है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उड़िया में जो लिखे हैं जो वैष्णव देवी कुछ दिनों में प्रकट होंगे, जो वैष्णो देवी को दर्शन करने गए थे वो महान निकलेंगे, क्योंकि वो महान भक्त हैं जो वैष्णो देवी को दर्शन करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद महापुरुष ने लिखा है वैष्णो देवी प्रकट होंगे, भक्तों को अपनी दर्शन देंगे और जो कली का अंत होगा, तो महारथीगण कली में युग में जो महारथीगण आएंगे तो वैष्णव देवी के दर्शन पहले करेंगे। अच्छा, जो बाहर जो भक्त है और बाहर जो हमारे योद्धा है तो पहले जाके वैष्णव देवी को दर्शन करेंगे। अच्छा। और माता वैष्णव देवी भक्तों को दर्शन देने के साथ साथ और किस किस को दर्शन देंगे, अभिमन्यु और घटोत्कच और जो महाभारत में रथियों थे वो दर्शन करके आएंगे। जब मुगल के आक्रमण होंगे तो वही जो उड़ीसा के लोग भी वही लीला में देखेंगे और भारत के राजस्थान की हरियाणा में सभी जगहों में भक्त ही प्रकट होंगे, वही भक्त जाके वैष्णो देवी के वो दर्शन करेंगे। वो जो बाहर जो भक्त हैं और महारथीगण हैं सभी जाके एक साथ में अच्छा, दर्शन अच्छा। करेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो महायुद्ध की आप बात कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में जब महायुद्ध होगा, जैसे कि मालिका में लिखा गया है कि महाभारत के एक अधूरा युद्ध जब बच गया था, तो वो अधूरा युद्ध तो महायुद्ध में उभरेगा, तो उस समय जो महारथी और रथियां जो हैं, जो योद्धाएं जो हैं, वो विश्व के अनेक जो देशों में उन्होंने जन्म लिए हैं, तो वो लोग आएंगे भारत में और पहले वो माता जी के दर्शन करेंगे। माता जी का दर्शन करेंगे, कैसे दर्शन करेंगे? वो माता जी का स्वयं प्रकट लीला को दर्शन करेंगे, ऐसे ही जो मूर्तियों को दर्शन नहीं करेंगे, वो प्रकट होके माता जी का दर्शन करेंगे, असली रूप में जो दर्शन करेंगे, क्योंकि वो लिखे हैं शिष्य रामदास को अच्युतानंद ने कहा है कि हे शिष्य, जो माँ की कृपा लाभ करेंगे उसको सभी प्राप्त होगा, दुनिया में ऐसे कोई नामुमकिन है जो भक्तों को नहीं मिलेगा, जो माता को भक्त है उसको सभी मिलेगा, जो उलझन में फंसे हैं, जो माँ की आराधना करेंगे, वैष्णो देवी की आराधना करेंगे, उसको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि माँ लीला करेंगे और कैसे लीला करेंगे, वही पहाड़ पर पहाड़वासिन है और जो लिखा है मालिका में माँ का असली स्वरूप
सब लोग वैष्णव देवी को देखेंगे। ऐसे ही आप जो भक्त लोग देख रहे हैं, आज से ही बोल दीजिए जय माता जी, क्योंकि माता जी का आप असली रूप जो माता जी का भक्त है वही देखेंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है कली का अंत होगा और जहाँ सब लोग पापग्रस्त होंगे और लोग उलझन में फंसेंगे और लोग पापाचारी होंगे, और उस वक्त भक्त ने माँ जी का प्रकट स्वरूप देखेंगे सभी लोग। असली स्वरूप जो है वो हाँ देखेंगे, भक्त लोग देखेंगे जी, 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 जो माँ की आराधना करते हैं, माँ की चालीसा गाते, वैष्णव देवी की चालीसा गाते, माँ की आराधना करते, देवी माँ के व्रत रखते हैं, जो नवरात्रि करते हैं वही देखेंगे। तो उड़िया का बहुत सारा पद है लेकिन वो आपको समय में नष्ट नहीं करूंगी, तो उसकी सारांश हम बता रहे जी, जो नवरात्रि व्रत करे है वो माँ की वही असली स्वरूप वही देखेंगे। अच्छा अच्छा, जब भी बाहर जो नहीं उड़िया का जो पद है वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हाँ, बाद हम ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में समझेंगे जी। व्रत बार माताकर जेहु करूब अंत काले वैष्णव देवी दर्शन करीब। खूब सुंदर, बहुत बढ़िया। तो वही बात जो पहले हम बताए हैं, नवरात्र का व्रत जो करेंगे और माँ की जो आराधना करेंगे वही अपनी आंखों में देखेंगे, माता की असली स्वरूप वैष्णव देवी के असली स्वरूप देखेंगे। क्या बात है, खूब निकट है, खूब निकट है। बहुत बढ़िया, आपको चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं, आप लिख कर रखिए, खूब निकट माँ की स्वरूप आप देखेंगे। मालिका में लिखा है वो सच होने वाला है और जल्द ही आप उस रूप को देखेंगे। और रात 12 से 4 बजे के अंदर रात के 12 बजे से रात को 4 बजे के अंदर जो भक्त लोग रहेंगे माता जी के दर्शन, माँ की दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी बस लास्ट में एक सवाल था, मतलब जैसे कि मालिका में लिखा गया है कि भैरवी का डाक होगा माताओं की ओर, ठीक है, माता जी जो डाक देंगे भैरवी का डाक, तो वैष्णव देवी भी देंगे या फिर जो कोलकाता में जो दक्षिण काली वो देंगे, या इसके बारे में क्या लिखा है? जो देखिए माँ वैष्णव देवी वैष्णवी है, और अब जो सत्य बाबू भैरवी डाक के बारे में कह रहे हैं जी, वो है क्या कि उसका असली अर्थ है लोग को सचेतन करेंगे, माँ भैरवी भक्तों को सचेतन करेंगे जी, जे अंत होने वाला है। जैसे ही सिक्योरिटी क्या करते हैं, उठ जाओ, जागो जागो जागो, जागते रहो उठ जाओ, उसको कहते हैं भैरवी डाक। और माँ जागृत करेंगे अपने बच्चों को, उठ जाओ धर्म के ओर चलो और अधर्म का नाश होने वाला है। तो ऐसे ही माँ भी वैष्णव देवी ही भक्तों को वो जागते रहने के लिए, सचेतन करने के लिए सभी भक्तों को कहेंगे, अरे जागते रहो क्योंकि कली का अंत होने वाला है। माँ के ओर से पहले ही आएगा संवाद, उसके बाद ही पिता की ओर से आएंगे। माता पहले बच्चों को आदर करता है, पिता का बाद में आदर करता है, क्योंकि जन्म देने वाले ही माँ है। तो अपने भक्तों को जो जो दशाएं हैं वो समझ सकेंगे और उनको रक्षा करेंगे। तो सत्यवो हम ये बात बताने चाहते हैं हमारे दर्शकों, हमारे जब कुंडली भगवान और माँ को देंगे तो हमारे कुंडली में भगवान दुख लिख सकते हैं, लेकिन माँ को जब भी हमारे कुंडली आगामी भविष्य तो हमारे माँ को देंगे तो हमारे भविष्य लिखिए माँ, माँ हमारे जीवन में कभी दुख नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही भगवान और माँ के संतान, ऐसे ही भगवान और माँ के बीच में पार्थक्य है, माँ ही हमारे जीवन में कभी दुख नहीं लिख सकते। बच्चे सब बच्चे हैं, जो लोग तो वो समझ नहीं रहे हैं, बलि पका रहे हैं तो बलि माँ के और रक्तपात कर रहे हैं, बहुत सारा लोग काली के पास ही बलि चढ़ा रही है, ये पाखंडता है जी के पास, ये पाखंडता है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये माताओं को संतुष्ट करने का कोई तरीका नहीं है। रक्त कोई माता नहीं चाहते, मालिका में वो बात भी नहीं लिखा है बिल्कुल। ये मंत्र तंत्र को तो जो संत अच्युतानंद दास ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया है। बलि प्रथा को स्वयं बुद्ध ने विरोध किया है और हमारे जो मुनि ऋषि हैं, साधु संत है, उन्होंने वो भी विरोध किए हैं, क्योंकि रक्तपात कोई माता नहीं चाहते। अपने बच्चे का खून पीना कोई माता कहीं चाहेगा, अपनी माँ चाहेगा अपने बच्चे को मार दीजिए, हम खून पियेंगे, वही बात नहीं। बलि प्रथा को स्वयं हम भी विरोध करते हैं, वो पाखंडता है। माँ के नाम से
हम खाएंगे, हमारे जीभ के लालसा जो बढ़ गए हैं हम कैसे मिटाएंगे, वही माँ के नाम से हम खाएंगे। और किस किसी देवी के हम देखे हैं वीडियो के बारे में, शराब चढ़ा रहे हैं और कोई मछली जा रहा है, इससे संत ने कोई कुछ मालिका में नहीं लिखा है, वो सभी पाखंडता लिखा है मालिका में, और सभी लिखाएं पाखंडता ही है। तो किस भाव और ये मेल संगर जो होगा पहला उन्हीं का होगा, जो धर्म के नाम में पाखंडता फैला रही है उसका अंत पहले होगा। हाँ, बहुत सारा लोग वो पाखंडता ही फैला रहे हैं, अंधविश्वास संसार में फैला रही है, जीव हत्या कर रहे हैं, वही लोग पहले मरेंगे। अच्युतानंद लिखे हैं मालिका में लिखा है, पहले वो मरेंगे, उसके बाद जो दुष्ट लोग हैं वो बाद में मरेंगे, लेकिन जो पाखंडता फैले रहे हैं वो पहले ही दुष्ट निकले हैं, तो उसे माँ मारने के लिए और क्या लेके आएंगे वो भी अच्युतानंद ने बताए हैं। जे संत अच्युतानंद महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है, पहले वो पाखंडा फैलाने वालों को माँ तलवार लेके आएंगे और उसको पहले मारेंगे, और दूसरे बाद जो कलिकांत होगा, क्योंकि वो महापुरुष ने लिखा है। क्या लिखे हैं वो बस सुना दीजिए आप, में क्या लिखा है। खड़गधरी माता आसीबे से तो दुष्ट को विनाशी रखीबे भक्त, महापुरुष ने लिखा है संत अच्युतानंद ने, जे दुष्ट को विनाश करेंगे और भक्तों को रखेंगे। हाथ में तलवार लेके आएंगे, माँ वैष्णव देवी आएंगे और जो भी माता जिस जिस जगह में है वो एकत्रित होंगे कली के अंत में। जी बिल्कुल। तो बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कथाएं आपने सुनाई हमारे दर्शकों को। तो आप अभी सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर, जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज जी को। तो स्वामी जी वही बोल रहे थे, संत अच्युतानंद दास जी ने जो लिखे हैं कलयुग के अंतिम कालखंड में माता जी ने दर्शन देंगे अपने भक्तों को। तो फिर ये सब जो बातें वो हम कह रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने आज से 500 साल पहले जो लिखे हैं बस उसी को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मालिका कभी भी आपको डराने की, मन में भय संचार करने की वार्ता नहीं देती, हमेशा मालिका जो है जनमानस में एक सचेतन की वार्ता जो है देता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके आप लिखिए, और बाबा जी से आप किस किस विषय पर जानना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय पंचखा।